गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज क्लास 6 SST क्लास एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 ऑफ ज्योग्राफी, इंडिया नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. इंडिया एज यू हैव सीन एग्जिबिट्स वाइड रेंज ऑफ फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेटिक टाइप्स. दीज वेरिड physical and climatic conditions have resulted in a stunning variety of plants and animal life in India. कि कई तरीके का क्लाइमेट है, कई तरीके की चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ एनिमल्स में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी मिलते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ क्लोजर लुक एट अ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया. So let's start. Natural vegetation. The original plant cover in India consists of thick forest, grassland and thorny bushes called scrubs. Most of the original cover has been cut down for thousands of years to clear land for agriculture. कई चीज़ों को काट भी दिया गया था, कई सारे forests को, कि agriculture के लिए थोड़ी सी ज़मीन मिल सके. Today only 19.3% of India's land is under forest cover. India's natural vegetation can be classified as below. कितने तरीके के हैं? Number one is tropical evergreen forest or rain forest. Number two, tropical deciduous forest. Number three, thorn forest. And number four, tidal or mangrove forest. Number four, mountain or Himalayan forest. आप डायग्राम में देख सकते हो कि सारे आपको डायग्राम दिख रहे हैं. तो फॉरेस्ट इन इंडिया, लेट्स स्टडी द फॉलोइंग टेबल. एक टेबल दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट हैं उनका क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल कैसा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्पेशल फीचर्स क्या हैं उनके और मेन ट्रीज कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं. तो एक बार से आप लोग ये ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा. तो इम्पॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. द थॉटलेस एंड रैपिड एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ डैमेज्ड द एनवायरनमेंट. ऑन एन एवरेज 1.3 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट इज बीइंग लॉस्ट एनुअली. धीरे धीरे जंगल क्या हो रहे हैं, ख़त्म ही होते चले जा रहे हैं और बहुत ही बेतहाशा कटाई हो रही है जंगलों की. दैट इज़ वेरी हार्मफुल. Forests are important to us in following ways. कई तरीके से forest हमारे लिए important है. They provide us a variety of forest product, जैसे timber हो गया, woods हो गए fuel के लिए, fodders for animals, gums हो गए, तेंदू leaves हो गए बीड़ी वगैरह बनाने के लिए, लाख हमें मिलता है, कई सारे medicinal herbs हमें मिलते हैं. Forests prevent global warming which otherwise could cause the ice caps to melt and cause floods in important coastal areas. Forest induce precipitation and help to charge up the ground water. When tree and forests are cut down, there is less rain. और क्या होगा, बारिश कम होगी तो deserts बढ़ते जाएंगे. Forest turn carbon dioxide into oxygen, which is very important for us and which purify the air. The root of plants and trees hold the soil. ये क्या करते हैं, मिट्टी को कटाव से रोकते हैं, बाढ़ आने में से इसको रोकते हैं. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर प्रोटेक्टिंग अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. और कई तरीके के एनिमल्स और बर्ड्स की वैरायटी भी यहाँ पे अपना लाइफ स्पेंड करती है. इट इज़ दस इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट. और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फॉरेस्ट को बचा के रखें. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैव बीन सेटअप एट देहरादून. देहरादून में इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया है, इन उत्तराखंड एंड कोयम्बटोर इन तमिलनाडु. देयर इज़ अ प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट. इंडिया हैव बीन फॉलोइंग दिस पॉलिसी सिंस 1894. द गवर्नमेंट हैज़ पुट सर्टेन कंट्रोल्स ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मेड सैंडलवुड oil and restricted items of exports. So self forestry programs like Van Mahotsav, which involve planting thousands of trees along roads, railway lines and hill slopes, are increasing India's total forested area. Modern methods to solve the problem of growing more food, such as constructions of large dams for irrigation and increased use of
Insecticides and pesticides are adding to the problem of changing landscape in which plant and animal life is being threatened. Wildlife in India. The forest in mountains, hill, plains, deserts and deltas of India are inhabited by a variety of animal life. There are 500 species of animals, 500 prakar ke animals hain, 1200 species of birds, 1200 tarike ke pakshi hain, and 2500 species of fish exclusive to India alone. Machhliyan bhi hain itne sare tarike ki. The Indian blackbird gazelle and the great Indian bustard are also found here. The swamps of Sundarban forest are habitats of tigers, wild pigs, spotted deers and crocodile and reptiles like Indian python, king cobra. Itte tarike ke animals hain hamare Sundarban mein. During the monsoon, storks, hern, herons and variety of other water birds nest there in huge colonies. इनकी भी बड़ी बड़ी कॉलोनीज देखी जाती है. Among animals of prey, apart from Royal Bengal tiger, leopards, clouded leopards, snow leopards are found in upper reaches of Himalayas. Many of these animals are endangered or threatened to extinction. Periodic census reports show that there are hardly 1000 great Indian bustards surviving and only 300 lions are found in the Gir forest in Gujarat. In 1920, it was estimated that 1 lakh tigers roamed over Asia, but by 1972, only 5000 were surviving. धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, we can say. Several species of animals have become extinct. और कुछ ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल गायब ही हो चुके हैं. Protection of wildlife. Animals are very important part of our natural heritage and must be protected for future generations. Projects have been taken up the protection of elephants, tigers, rhinos and bustards. The Indian Board of Wildlife advised the government to take steps to preserve wildlife. Several wildlife sanctuaries, 87 national parks, 29 project tiger areas, 200 zoological parks and 17 biosphere reserve have been contributed toward conservation of animals and bird species in India. Marshy wheatland and coral reefs in shallow tropical waters in the Gulf of Mannar, Andaman and Nicobar, Myanmar, Andaman and Nicobar, Lakshadweep Islands are the Gulf and the Gulf of Kutch are also being protected from exploitation and damages by oil spills. We observe a wildlife week in the first week of October. October ki first week mein hum wildlife week pura manate hain. And killing of animals has been banned by the government. Special forest officers have been appointed to catch unlawful animal hunters. Jo bhi hunters wagaira hain unko pakadne ke liye kuch officers bhi yahan pe kiye jate hain. Apart from these steps like eco mark labeling from government, household and consumer goods is being implemented. With all these efforts, we should go a long way in enjoying nature's bounties of our rich flora and fauna. We could encourage tourism in our country and foreigners to watch these animals and birds in their natural surroundings and conserve our rich ecological diversity. Isse kya hoga ki jab दूर दूर से दूसरे देशों से टूरिज्म आएंगे हमारे देशों में देखने के लिए, घूमने के लिए, तो वो सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को, उनके ओरिजिनल जो उनकी लाइफस्टाइल है वहाँ पे देखेंगे. इससे क्या होगी, हमारी इकोलॉजी भी इंक्रीज होगी. और यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है जू एंड नेशनल पार्क में. तो जू एक ऐसी जगह है जहाँ पर एनिमल्स को और बर्ड्स को जो कि डिफरेंट पार्ट से ला करके हम रखते हैं, और नेशनल पार्क वो है एरियाज रिजर्व फॉर प्रिजर्विंग एनिमल इन नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड लैंड फॉर्म्स.
जू क्या है? एनिमल आर फेड बाय जू अथॉरिटीज, एनिमल्स लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल सराउंडिंग. जू में क्या है? वी कैन सी एनिमल्स एंड बर्ड्स वेरी क्लोजली, हम बहुत पास से देख सकते हैं. बट नेशनल पार्क्स में क्या होता है? वी वॉच द एनिमल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस सिटिंग इन अ जीप, जोंगा, बस और अटॉप एन एलिफेंट. इस तरीके से हम देखते हैं. तो ये तो आपका चैप्टर हो गया और नेक्स्ट अभी हम इसका एक्सरसाइज बता देते हैं आपको. तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है दैट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन. रोज़ वुड, एबोनी, महोगनी ट्रीज आर फाउंड इन द ए एवरग्रीन फॉरेस्ट. नंबर टू, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ बिन सेटअप इन उत्तराखंड. करेक्ट ऑप्शन इज डी, देहरादून. नंबर थ्री, इन विच मंथ वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक? ए अक्टूबर. हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन इंडिया? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 1200. नंबर फाइव, फ्रॉम विच लीव्स बीडीज आर मेड? किस पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, तेंदू. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर वन, द डेल्टाज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर नोन फॉर द मैंग्रोव ट्रीज एंड रॉयल बंगाल टाइगर, लियोपर्ड एट्सेट्रा. नंबर टू, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट. नंबर थ्री, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड बाई द WWF एंड द इंडियन गवर्नमेंट. नंबर फोर, एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट एंड वेट फॉरेस्ट ऑफ केरला एंड कर्नाटका सेंचुरीज. नंबर फाइव, द स्नो लियोपार्ड इज फाउंड ओनली इन द हायर रीचेज ऑफ द हिमालया. नंबर सिक्स, द वन हॉर्न राइनो इज प्रोटेक्टेड इन द असम एंड स्वैम्पी मार्श लैंड सेंचुरीज. नंबर सेवन, एनिमल्स दैट आर ट्रीटेंटेड बाय एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स. एंड नंबर एट, वी सेलिब्रेट वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ईच ईयर. एंड नंबर नाइन, तेंदू लीव्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बीड़ीज. नंबर टेन, बबूल एंड कीकर बिलोंग टू द थॉर्नी फॉरेस्ट. तो और इसके आगे इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ना डिफरेंस करना है, ना तो क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. सिर्फ और सिर्फ आपको यही एक्सरसाइज करनी है इसकी. तो ये चैप्टर होता है आपका फिनिश्ड. टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय.